कब आएंगे यार? पता नहीं इतना लेट हो गया। आ गए। हाय विधि। सो हियर इज योर गिफ्ट। आईफोन? अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, जरूरत क्यों हुई थी? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अरे फताक्षी, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। ये देखो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट और तुम्हारा फेवरेट रोल। इंडिया छोड़ने के बाद जब मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ ना, तो जितना भी मैं वहाँ जॉब से कमाता था वो सारा वहाँ पर रेंट पे और मेरी स्टडी में लग जाता था, क्योंकि आपको तो पता है ना अब्रॉड कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन हाँ, अब खुशी की बात यह है कि अब ना मेरे पास डिग्री है और मैं यहाँ इंडिया में किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ और बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है मुझे। तो ये आईफोन क्या, मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सैम, तुम ना बस करो, 5 साल वहाँ रह के तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, यहाँ क्या ही उखाड़ लोगे तुम? बस मेरे जगाते रहा करो तुम बस। बाय द वे सताक्षी, अगर तुम चाहो तो ये आईफोन तुम्हारा हो सकता है। कैसे? मतलब ये कि मैं ना कॉलेज टाइम से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करता था, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हें बोलने की कभी हिम्मत नहीं। लेकिन आज मौका मिला तो सोचा क्यों ना बोल ही दूँ, और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो तो ये आईफोन मैं तुम्हें दे दूँगा। सोचना क्या है, बिल्कुल ये पकड़ो। सुशांत, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार करा है, ना कि इस आईफोन का। और इसे आईफोन चाहिए ना तो तुम दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आईफोन नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। देखो विधि, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम ही एक ऑप्शन थी। और आज जब हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे पास आने के लिए तैयार है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? और तुम भी ये प्यार व्यार का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं वेल सेटल्ड हूँ, ठीक है? तो ये प्यार व्यार का नाटक ना यहाँ मत करो, समझी? ऑप्शन? मैं तुम्हारे लिए एक ऑप्शन थी? अरे तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ? मैंने 5 साल इंतजार ये सुनने के लिए नहीं किया तुम्हारा। और हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, ना कि ये आईफोन और ना ही तुम्हारा पैसा। अगर तुम्हें ना वो भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे। बंद करो अपनी बकवास। तुम मुझे कह रही हो सुशांत, बस ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तूने? तू शायद भूल रहा है कि मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, और आज तेरे पास पैसा क्या आ गया? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। और तू ये कैसे भूल सकता है, ये तेरी होने वाली भाभी है और तू इस पर ही नजर गड़ाए हुए बैठा है। वही तो, होने वाली भाभी, भाभी हुई तो नहीं है ना, लेकिन एक बात तू लिख के ले ले, ये ना तेरी भाभी बन के रहेगी। सुशांत, तू ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन मैं तेरे फायदे के लिए एक बात बता दूं, आज तेरे पास पैसा है तो ये लड़की तेरे पास है, और ऐसी लड़कियां ना किसी की नहीं होती जो पैसे को देख के अपना रंग बदल दे, तो तू ना बहुत पछताएगा। अपनी दोस्ती ना अपने पास रख, समझा? और सताक्षी, तुम इनकी बातों को माइंड मत करो, आओ हम चलते हैं। सुशांत, गाड़ी अनलॉक तो करो। गाड़ी अनलॉक मैं कैसे कर सकता हूँ? गाड़ी को अनलॉक तो उसका मालिक करेगा, जो कि मैं नहीं हूँ। सैम, सैम है? ये गाड़ी तो तुम्हारी थी ना? मैंने कब बोला कि ये गाड़ी मेरी है? वो तो सैम ने मुझे नाटक करने के लिए बोला था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। हाँ सताक्षी, सही कहा सुशांत ने, ये गाड़ी ना मेरी है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ना सिर्फ देखना चाहता था कि जिस लड़की को मैं अपने माँ बाप से मिलाना चाहता हूँ और जिस लड़की ने मेरा 5 साल वेट किया, क्या वो आज भी मेरे लिए लॉयल है, क्या आज भी उसकी नजरों में प्यार की वैल्यू है या पैसे की। लेकिन अफसोस, मैं गलत हूँ, नजरों में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है। सैम, तुम
गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे अभी उतना ही प्यार करती हूं। Shut up, मैं जो समझ रहा हूं ना बहुत सही समझ रहा हूं। अब तुम्हारा ड्रामा मेरे आगे नहीं चलेगा, तुम्हारी रियलिटी मेरे आगे नहीं सबके आगे आ गई है। Sam, sorry. मुझे माफ कर दो। Sorry. मैं तुम्हें माफ तो कर देता लेकिन जो गलती तुमने की है ना उसकी माफी तुम्हें भगवान भी नहीं देता। और हाँ, ये आईफोन भी मेरा है। हर्ट हुआ ना यार, ये सब मेरा प्लान नहीं था। सैम का प्लान था, वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने बोला कि तू थोड़ी सी एक्टिंग कर ले। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। ओके, आओ चलते हैं।